पिछली वीडियो में हमने बात की अम कम चम तम तम पम यम यहां तक, उसको कंक्लूड कर दिया। अब हम बात करते हैं यम शम, यम हो गया। अब हम बात करते हैं शम, वीम धूम ऐम वीम हम शम। वीम व, व को आपकी वायु से भी जोड़ा जाता है, व वीम वाम वीम वूम वागधीश्वरी। अब यहीं पे उनकी शक्ति भी है और इसी बीज मंत्र में आपके एक चक्र की शक्ति भी है। व वायु, व वात, व वाणी, व वागधीश्वरी, ई शक्ति, वीम धूम धूम मां दुर्गा, दुख हरण करने वाली जो दुर्ग, दुर्गा दुर्गार्ती शमनी, दुर्गा पद्म निवारिणी, दुर्ग मच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी, है ना। तो वो धूम यानी दुर्गा मां, वीम धूम आयम मां सरस्वती। आयम बीज मंत्र के बारे में मैंने नवार्ण मंत्र रहस्य के बारे में और इसके बारे में बहुत बोला है, तो 3-4 वीडियोस हैं 15-15 मिनट की, आप जरूर देखिए। आयम फिर दोबारा वीम, वीम क्या है, ये व बार बार क्यों है, क्योंकि आप बोल पाते हो वायु के कारण। आपकी वायु जिस प्रकार के लय बनाती है, जिस प्रकार से आप लय में बोल पाते हो, यानी मैं बोल रहा हूं तो मेरी वायु काम कर रही है, वायु निरंतर बॉडी में कार्य करती है, वायु से ही आपका अस्तित्व है। तो वही वाणी की कारक बागधीश्वरी की शक्ति, वायु आपके अंदर वही वाणी बनके, वही ध्वनि बनके, जो शक्ति ध्वनि की है वो आपकी बॉडी के अंदर या फिर पूरे संसार में जो ध्वनि की ट्रांसपोर्टेशन का कारण है या ध्वनि की लय का कारण है या ध्वनि की एनर्जी का कारण है वो वीम दुम, जो मां दुर्गा दुखों का हरण करने वाली। अब इसके इसके अलग अलग ना वम दम, इनके अलग अलग थेरेपेटिक इफेक्ट्स भी हैं। इन बीज मंत्रों को उपचार के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जल्द ही उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि जितना भी आपको अभी तक अवेलेबल होगा मटेरियल उसमें सिर्फ ये बातें हैं कि ये बीज मंत्र जपो तो इस बॉडी पार्ट पे प्रभाव मिलता है, पर उसका कारण क्या है, क्यों मिलता है, ये हम आगे बात करेंगे। और उसके साथ में वीम धूम ऐम वीम हम क्षम, हम फिर दोबारा आकाश और वायु से जुड़ा है, हम ह, जब हम हुम बोलते हैं तो क्या होता है, हुम त्रैलोक के वशीकरण और ऊर्जा का भंडार। तो हम 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 को आप बजरंग बली जो है हमारे हनुमान जी, उनके साथ भी जोड़ा जाता है, ओम हम हनुमते नमः, है ना, या फिर इसको आपके एक चक्र के साथ भी जोड़ा जाता है। और हम आपकी वायु की ही शक्ति है, आपके अंदर जो हम है, ह ह ह ही है जो अपान को निकालता है। तो हम वो शक्ति जो आपके अपान रूपी ऊर्जाओं को निकालती है, या वो वायु का कारक जो आपके अंदर वो ऊर्जा देता है। अब हम बीज मंत्र में लेविटेशन के भी बहुत सारे रहस्य हैं, वायु को सही जान लिया तो सब जान लिया, बहुत सारी बातें हैं। तो हम यहां पे बजरंग बली यानी हनुमान जी यहां से भी संबंधित है, और उसके साथ में आपकी वायु और वायु का चलना, बहाव, वायु का फ्लो, इससे भी संबंधित है। क्षम, क्षम को पृथ्वी बीज भी कहा जाता है, और क्षम को ही भगवान नरसिंह से भी जोड़ा जाता है। ये हम जब ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचहे, ओम ग्लौम हुम क्लीम जूम सह,
ज्वाला 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचहे ज्वल हम सम लम क्षम फट स्वाहा। उसके जब जब लास्ट में हम इस मंत्र की व्याख्या पे आएंगे तब हम और क्षम को भी और डिटेल में बात करेंगे। तो वीम दूम ऐं वीम हम क्षम यानी वाणी की शक्ति, वायु की शक्ति, मां दुर्गा दुखहरण करने वाली, ऐं मां सरस्वती। अब ऐं अ ई म, एक अ उ म, एक अ ई म, एक शिव और एक शक्ति, एक पुरुष एक स्त्री। इसके बारे में ये मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा बात इसलिए नहीं करता हूं कि बहुत सारे मित्र डिसएग्री कर सकते हैं इस पे, खैर हक है। परंतु जब हम ओम बोलते हैं तो ऊ, जब ऐं बोलते हैं तो ई, अ और म तो वही है ना, और अ फिर अ से ही हम शुरू होते हैं। मृत्यु, मृत्यु क्या? जीवन, जीवन क्या? जीवन का विस्तार, ये रहस्य है। ऐं वीम दूम ऐं वीम, फिर वीम, वरुण और वायु और चलती हुई वायु, वायु का फ्लो, हम वायु का फ्लो, वायु जिसके कारण मैं बोल पा रहा हूं, वायु जिसके कारण मेरी आवाज सही फॉर्मेट पे आप तक पहुंच सकती, पहुंच रही है, और वही वागधीश्वरी वाणी की अधिष्ठात्री मां सरस्वती। वीम दुम, फिर वीम दुम ऐं वीम हम, वायु का फ्लो, क्षम पृथ्वी। तो अगर हम इसको पूरा जोड़ लें, अम क्रम चम तम तम पम यम शम वीम दुम ऐं वीम हम क्षम, तो आपका पूरा जीवन इस इन बीज मंत्रों में सम्मिलित हो जाता है। आपका पूरा वायुमंडल इन बीज मंत्रों में सम्मिलित हो जाता है। आपका पूरा जो एग्जिस्टेंस है, चाहे वो ज्ञात है, चाहे अज्ञात है, और चाहे हो सकता है अज्ञेय हो, वो नोन है, वो अननोन है, और वो मिस्ट्री है, दैट विच कैन नेवर बी नोन। अगर इसको सही से जान ले तो पूरा जीवन जाना जा सकता है। द्विजाग्रम द्विजाग्रम त्रोटाया त्रोटाया दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा, हे भगवती इन सब को जो भी मेरे अंदर विष है, मेरे अंदर मृत्यु है, मेरे अंदर क्षोभन है, मेरे अंदर वायु है, मेरे अंदर जल है, मेरे अंदर वायुमंडल है, आकाश है, मेरे अंदर पृथ्वी तत्व है, इन सब को द्विजाग्रम द्विजाग्रम त्रोटाया त्रोटाया इन सब को तोड़िए, इन सब को देखिए, तोड़िए। दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा, और ऊर्जा का दीप्त दीपक, वो अग्नि रूपी ऊर्जा जो मेरे अंदर आपकी ऊर्जा बनकर प्रवाह करे, कुरु कुरु स्वाहा स्वाहा स्वह स्वाहा। ये जब स्वाहा बोलते हो ना, ये भी अपने आप में एक रहस्य है। रहस्य क्या? ये भी अपने आप में एक ऊर्जा है। स्वाहा स्वह, इसके बारे में भी बात करेंगे जल्द ही। तो मित्रों, मैं चाहता हूं कि ये ऊर्जा, ये रियल नॉलेज, ये रहस्य, ये सब तक पहुंचे, ये हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचे जो ढूंढता फिरता है मां भगवती की ऊर्जा को, जो जानना चाहता है अपने आप के विस्तार को, अपनी एग्जिस्टेंस को, अपने अंत को और बीच के विस्तार को, जो जानना चाहता है तत्व को, जो जानना चाहता है अपनी ऊर्जा को, जो सत्य में ही उस रहस्य की तरफ अग्रसर होना चाहता है। मैं चाहता हूं कि ये ऊर्जा उन सब तक पहुंचे, ये ज्ञान उन सब तक पहुंचे। आपसे अनुरोध है कि ये वीडियो शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट जरूर करें, और जो मित्र पहली बार जुड़ रहे हैं, मैंने नवार्ण मंत्र रहस्य के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा,
कुंजिका स्तोत्र की बाकी जो पोस्ट्स हैं पीछे, एक यात्रा है जो अनंत है, शायद 6 महीने बाद फिर कुछ और सामने आपके सामने मैं कुंजिका को लेके ही आऊं, तो क्या पता, वो भगवती की प्रेरणा है। तो अब सबलिमिनल मैं फिर बात कर रहा हूं, जब आप मां दुर्गा की बात करते हो ना, निर्भयो जायते मत्रह संग्रामेश्व पराजिता, वो निर्भयता देती है, वो ऊर्जा देती है, वो अग्नि है, वो किसी भी फॉरेन ऊर्जा से प्रभावित नहीं होती, असुरों का नाश करने वाली चंडघाती, वो चामुंडा, वो मां दुर्गा, वो जो आपके और मेरे होने का कारण है। मैं चाहता हूं आप सब में उसका विस्तार हो और निर्भयता आए, जो भय आपके अंदर प्लांट किया जा रहा है वो नहीं हो। वैमनस्य क्षोभण, जो फ्रस्ट्रेशंस, जो डर तुमको डाला जा रहा है वो डर ना रहे। इसलिए मित्रों, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और शुद्ध तंत्र, शुद्ध ऊर्जा की तरफ अग्रसर होइए।